सब उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी ईद की जो वीडियोस आई थी 3 डे ईद लोग बहुत ज्यादा सन की, तो अब मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ माई बैक कलेक्शन। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि आशा अपना रूम टूर दिखाओ, तो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती अपना रूम टूर। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा लाइफ ही डालना में किचवी नामना हाउस टूर, जब न्यू हाउस बना था तो आप वहां जाके देख सकते हैं किचवी नामना हाउस टूर। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी माई बैग कलेक्शन। और एक बात कि मुझे ज्यादा बैग्स पसंद नहीं, मतलब बैग की शॉपिंग नहीं करती ज्यादा, लेकिन अगर मुझे कोई बैग पसंद आ जाए तो मैं वो लेती हूँ। जो नीक किस्म के बैग मुझे पसंद है जो सबसे डिफरेंट होते हैं, ये नहीं कि हर बैग में ले जाती हूँ शॉपिंग करने जा रही हूँ कोई बैग अच्छा लगे ले, नहीं, जो बहुत यूनिक अच्छा डिफरेंट स्टाइल होता है जिसका मतलब डिजाइन होता है वो मैं लेती हूँ। जिस तरह ये बैग, ये शोल्डर बैग है, ये मैं लिया था 2018 में सना स्वीनास का। ऐसा डिजाइन कभी नहीं आया, सबको बहुत ज्यादा पसंद, जहां मैं लेके जाती थी रस्ते में लोग गुजरते थे मुझे कहते थे आशा ये बैग कहाँ से लिया है, आशा नहीं वैसे कोई अनजान लोग होते थे कहते थे ये बैग बहुत पसंद है कहाँ से लिया था, मैं बताती थी सना स्वीनास से। तो ये बैग मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, आज भी इतना पसंद है मुझे, इतने साल हो गए, मतलब 3-4 साल हो गए फिर भी मुझे पसंद है। और इसी ब्रांड का सना स्वीनास का ये मेहरून, आप लोग कहते हैं मुझे कि ये बैग जो है ये आमना का था, मम्मी भाभी ने उसे गिफ्ट दिया था बर्थडे पे, बिल्कुल ठीक, पर जब आमना की शादी तो आमना ने मुझे दे दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था ये, इसलिए उसने मुझे दे दिया। तो ये मेहरून कलर का है, दोनों एक ही मतलब सेम डिजाइन है पर कलर डिफरेंट था, मेहरून एक आमना का था एक मेरा, और मैंने ये रख लिया अपने पास। और ज्यादातर जो कलर है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट रखे हैं मैंने बैग्स के, मुझे व्हाइट और ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद था, पर आजकल मैंने डिफरेंट किया, मतलब दूसरे कलर के भी लिए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये ब्लैक कलर का बैग है, ये भी शोल्डर बैग है, तो ये मैंने लिया था 2020 में, ये लाइम लाइट का आप लोग शादी के टाइम लिया था, उसने रेड कलर का लिया था और मैंने ब्लैक लिया था। और एक ये बैग है, ये ओल्ड है, ये मेट्रो का बॉक्सी बैग है, बॉक्स बैग, ये मेट्रो ब्रांड का है और ये मैंने लिया था 2015-16 में। और एक ये बैग है, वैसे आप इंस्टा पे देख चुके हैं मेरी बैग कलेक्शन। और एक ये बैग है, ये भी ब्लैक कलर का, ये मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट दिया था यूके से। एक ये बैग आपको याद ही होगा, ये बैग देखिए, ये मरीज के लिया था फर वाला, ये बिलाल मुझे लेके दिया था, ये भी ब्लैक कलर का, मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और ब्लैक हर कपड़ों के साथ चल जाता है इसलिए मैं ब्लैक कलर लेती हूँ ज्यादा। और एक ये देखें, ये वाइट बैग, ये मैंने लिया था 2019 में आउटफिटर्स से, मतलब आउटफिटर ब्रांड से, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट, क्योंकि वाइट कलर बहुत मुश्किल से मिलता है और वाइट को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने इसे संभाला हुआ है 3 सालों से। और ये आउटफिटर्स का ये भी मैंने लिया था 2019 में, ये भी फर वाला है, तो ये इसका कलर मेहरून और इसके जो डिज़ाइन है मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी चेन गोल्डन और साथ ये लेदर का, तो ये भी मेरा फेवरेट है। तो आउटफिटर्स के ये दोनों बैग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे और मैंने लिए थे। आउटफिटर्स के बैग्स जब आते हैं ना, कोई कोई होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये दोनों थे, और इस साल भी आउटफिटर्स का एक बैग है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये वाइट कलर का, ये मैंने लिया है, ये रही गोल्डन चेन और इसके साथ ये बहुत प्यारा है, तो ये मरीज इसके बहुत पसंद है, उन्होंने अभी देखा है और कहती है इतना प्यारा, ये बिल्कुल न्यू है, तो ये बहुत प्यारा है। और एक ये पिंक, टी पिंक वाला, ये मैंने ईद पर लिया, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये निशात ब्रांड का है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और मैंने ले लिया,
ये नहीं कि मैं हर वक्त बैग्स लेती रहती, नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है मतलब डिफरेंट होता है, यूनिक डिजाइन वो लेती हूँ। और एक ये बैग मैंने लिया, ये भी इस साल, ये भी 2021 में है, और ये भी 2021 में लिया मैंने स्टाइलो का, मेहरून कलर का। इसका मैंने डिफरेंट कलर के बैग लेना शुरू कर दिए हैं, ये मुझे हर कलर पसंद आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने जरा पीछे किया था कुछ दिन के लिए। और एक ये मैंने अभी लिया, लास्ट वीक लिया, बॉर्जन का, बॉर्जन में सेल लगी तो मैंने ये सेल में से लिया है, बिगी कलर। और एक ये बैग है, हैंड बैग, ये ब्लैक कलर का, ये लाइम लाइट का, बंद नहीं किया हुआ, बंद, ये लाइम लाइट का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मॉम अपने लिया हुआ है, इसी तरह मतलब इसी तरह का था, डिफरेंट डिजाइन है। और ये बैग जो मैंने अभी खोला भी नहीं, ये वो बैग है जो आमना ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा तो लिया था और मुझे भेज भी दिया था, पर बर्थडे नहीं हो सकी थी मेरी क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, इस वजह से मैंने अपनी बर्थडे कैंसिल कर दी। अब मैं करूंगी नेक्स्ट ईयर अपनी बर्थडे धूमधाम से। तो ये पिंक बैग था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, आमना ने मुझे ये गिफ्ट दिया था और मैंने अभी तक नहीं ओपन किया क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि आमना ने मुझे ये गिफ्ट दिया। अब मैं ओपन करूंगी और यूज करूंगी वीडियोस में, पहनूंगी, जाऊंगी, कहीं जाना होगा। तो ये थी मेरी बैग कलेक्शन, तो ये थी मेरी बैग कलेक्शन, मतलब थोड़े से बैग है मेरे पास क्योंकि कम लेती हूँ मैं, कुछ अच्छा लगे ले लेती हूँ, मतलब डिजाइन ज्यादातर तो डिजाइन मुझे पसंद नहीं आता, अगर कभी आ भी जाए तो फिर ले लेती हूँ, वरना नहीं लेती, क्योंकि बैग्स तो बहुत होते हैं हर जगह, जो लोकल मार्केट में जाओ मतलब लोकल शॉप्स पर बहुत ज्यादा होती है, पर पसंद आना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे आज तक जो मुझे बैग पसंद है वही मैंने लिए हैं। तो ये थी मेरी बैग कलेक्शन की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आयशा मोमना चाय को जाके सब्सक्राइब करें और आयशा लाइफस्टाइल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा को भी फॉलो करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा बैग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।